नमस्कार, आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज। बेतिया में आभूषण कारीगर को लूटने के प्रयास में अज्ञात अपराधी ने चाकू मारकर बुरी तरह से कर दिया जख्मी। बेतिया से मोहन सिंह की रिपोर्ट। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आभूषण कारीगर को लूटने के क्रम में अज्ञात अपराधियों ने चाकू मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। बताते चले कि नगर क्षेत्र में आकर चाकू के बल पर लूट की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार बेतिया कालीबाग गोपी थाना क्षेत्र निवासी गणेश सोनार के पुत्र बीटी कुमार करीब 45 वर्ष को कुछ अज्ञातों ने पीठ एवं पेट में चाकू मार घायल कर दिया। बता दें कि बीटी कुमार हजारीमल धर्मशाला में गोपी किशन ज्वेलर्स की दुकान में कारीगरी का काम करता है। 13 दिसंबर बुधवार की रात दुकान से घर वापस आने के क्रम में राजदड़ी मेला ग्राउंड स्थित सर्वोदय स्कूल के पास रात 8 बजे कुछ अज्ञात हमलावरों ने मोबाइल व पैसे की छिनताई के क्रम में पीठ एवं पेट पर चाकू से वार कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। वही स्थानीय लोगों की मदद से इन्हें इलाज हेतु जीएमसीएच अस्पताल बेतिया लाया गया। घायल बिट्टू कुमार ने बताया कि घायल करने वाले किसी भी व्यक्ति को मैंने नहीं पहचान सका। जब मैं घायल होने के बाद बचाव के लिए शोर मचाया तो स्थानीय लोगों को आता देख वे सभी भाग खड़े हुए। अपराधियों की संख्या लगभग 4 से 5 थी। फिलहाल घायल बिट्टू की अस्पताल में इलाज की जा रही है। बताते चले इसके पूर्व 2 दिसंबर की संजय सुप्रिया रोड स्थित एक व्यक्ति की चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट वज्रपात न्यूज।